हाँ तो जबलपुर में आपने देखा होगा इन दिनों काफ़ी मशहूर हो चुका है, कुछ बड़े बड़े क्रिएटर्स आके वीडियो बना चुके हैं। तो इसी में हम आ चुके हैं द अवन क्लासिक, जो कि जबलपुर की बेस्ट बेकरी माने जाते हैं। यहाँ पे फ्रेश बेकरी मिलती है और अभी बाहर इनके स्टॉल स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि इधर पर अपन काफ़ी यूनिक एक बेंजो आया है और पेस्ट्री एंड रैप्स मिल जाते हैं, काठे जोड़े मिल जाते हैं और प्योर वेज है जो कि। और इसकी अगर ओपनिंग की बात कर लिया है तो जो अंदर की शॉप है वो 4 सुबह 9 बजे से खुल जाती है, 9 से 10:30-11 बजे तक रहती है, और जो बाहर स्टॉल्स लगे हैं वो 4 से 10:30 तक लगे रहते हैं। अगर इसके एड्रेस की बात कर लिया तो एड्रेस है साउथ सिविल लाइन्स में पड़ता है, ये होटल ग्रेस के बाजू में ही है। कुकीज़ है, पेस्ट्री है, बंस है, पूरा फ्रेश आइटम यूज़ होता है यहाँ पे। एक बार अपन अंदर का भी रिव्यू दे देते हैं, अंदर चलते हैं और हम यहाँ पे अपना लगवा लेते हैं कि यहाँ पे अपना कुछ स्पेशल्स हैं वो लगवा लेते हैं। तो भैया आप यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बता दो। जैसे कि सर ये नाचोज है, ये नाचोज हो गए, आपके चीज स्टिक्स हो गई, ये पूरा आप ही लोग का प्रोडक्ट मतलब बना हुआ रहता है, ये होममेड ओवन क्लासिक का रहता है। ये जैसे ड्राई केक चाहिए आपको, मेरी चीज केक है और ये ओरियो चीज केक है, ये ट्रफल पे, और ये सबसे हमारे कि बेस्ट है ये ब्राउनी पस्ट। केक से अपन कस्टमाइज भी करवा सकते हैं यहाँ पे, कस्टमाइज हो जाते हैं केक, वैसे रेगुलर केक चाहिए आपको बिना कस्टमाइज। तो यहाँ पे हमारे बन रहे हैं फ्रेंच फ्राइज, भाई इसका रेट क्या है? 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ ये 80 में क्या फुल आते हैं? हाँ जी, वन प्लेट। तो ये हमारे डल चुके हैं फ्रेंच फ्राइज। एक बार सब भाई कंप्लीट एड्रेस बता देना आप। स्टेशन वाली रोड, कैरेट्स होटल, द अवन क्लासिक। अवन क्लासिक में छः टाइम हो गया इसको। और अपने स्पेशल में क्या क्या मिल जाते हैं? स्पेशल में बेंजो है, बर्गर है, वाइट सॉस पास्ता अपने यहाँ का बहुत फेमस है, वाइट सॉस पास्ता, बाकी पनीर काठी रोल भी है। ये प्योर वेज है? हाँ प्योर वेज है सर। ये डन हो गया भैया? हाँ जी, हाँ जी। तो ये हमारा फ्रेंच क्लासिक फ्रेंच फ्राइज डन हो गया है। अब इसमें ऊपर से क्या क्या डाल दोगे आप? इसमें जाएगा चाट मसाला, नमक, चाट मसाला और नमक आएगा। ये क्या बना रहे भैया? पनीर काठी रोल। ये क्या है? रेड सॉस है क्या कि चटनी है? टोमेटो मखनी ग्रेवी है। अच्छा, ये आप ही तैयार करते हो? हाँ जी, अपने हाथ से बनाते हैं। इसका रेट क्या है और क्या बोल रहे भैया? इसका प्राइस क्या है? 130। ये 130 का है, पनीर रोल है ना, पनीर काठी रोल। हाँ, ये पनीर के स्लाइस डल गए इसमें। ये अनियन डल गई। ये क्या पेरी पेरी मसाला है क्या? ये चाट मसाला डल गया। इसमें कितने पीस आते हैं? 2। तो भाई अब नेक्स्ट क्या बना रहे हो? वेजी तंदूरी रैप। अच्छा, ऑलिव ऑयल डल चुका है। इसमें क्या क्या डल जाते हैं? ब्रोकली जाएगा। ब्रोकली, हाँ, और स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न, हाँ। अच्छा, पहले फ्राई करते होगे इसको? हाँ जी, सॉटे करते हैं। सॉटे, हाँ। प्याज को क्या शैलो फ्राई करते हो क्या? एकदम ब्राउन हो जाती है? नहीं, हल्का टच कर, हल्का सा करते। हाँ, इडली, कैप्सिकम। अच्छा, इसमें स्वीट कॉर्न भी डलते हैं। ये ब्रोकली डल गई।
ये क्या चीज़ है? तंदूरी है। अच्छा, तंदूरी मसाला है। इसमें क्या रोल्स आते हैं क्या? हाँ जी। कितने आ जाते हैं? सिंगल रहता है। ये क्या मैदे का रहता है कि किसका रहता है? मैदे का रहता है। मैदे का रहता है। अच्छा, ये आप ही बनाते हो? टोमेटो मक्खी। ये क्या धनिया पुदीना चटनी है? ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी डल गई। और यहाँ वेजीज भी अपनी सॉर्टे हो गई हैं। और तंदूरी स्प्रिंग करेंगे। अच्छा, तंदूरी मसाला और इसमें ऐड होगा। अच्छा, ये भी वो होता है, ग्रिल होता है। इसको कितना टाइम लगता है ग्रिल होने में? दो मिनट बटर लगा ग्रिल करेंगे। अच्छा, ये बटर कौन से यूज़ करते हो? और अमूल का। तो ये वेजी तंदूरी रैप रेडी हो गया। इसके टू पीसेस आते हैं। इसको काय के साथ क्या मिल जाता है अपने? इसके साथ टोमेटो सॉस भी मिल जाएगा, ग्रीन चटनी भी मिल जाएगा। अच्छा, दोनों मिल जाते हैं। तो अब क्या बना रहे हो भैया? बना रहे हैं वेज पेटी बेंजो। वेज पेटी बेंजो। ये पहले ग्रिल होता है क्या भैया? ये पहले ग्रिल होता है। अच्छा, इसमें ये पेटी काय की रहती है? अच्छा, हाँ। चिली गार्लिक डिप, ये भी आप रेडी करते हो? इसका प्राइस क्या? और इसका प्राइस क्या है? 90। इसमें क्या है? वेजिटेबल सर। कैबेज वाली मेयोनीज। अच्छा, कैबेज वाली मेयोनीज। ये प्याज डल गया। इसके अंदर फिलिंग काय की रहती है पेटी के अंदर? कैबेज, अनियंस, चिली गार्लिक डिप रहेगा, चीज रहेगा। नहीं नहीं, ये जो पैटी है आलू की रहती है? हाँ, वो आलू रहती है, उसमें ग्रीन पीस रहती है, कैरेट्स। अच्छा अच्छा, पोटैटो। ये क्या चीज़ चलेगा? ये भी अमूल का रहता है। अमूल का चीज़ स्लाइस। येलो कैप्सिकम। ये बेंजो क्या नया है क्या पूरे में? बेंजो बेस है। अच्छा, ये क्या चाट मसाला? फिर से चाट मसाला डल गया। क्या रेडी हो गया अभी? हाँ, इसको अब ग्रिल करेंगे। अच्छा, ग्रिल फिर से होता है ये? तो तर हाफ डन हो गया, अभी ग्रिल होगा। तो इसमें लग रहा है अमूल का बटर। ये रेडी हो गया। रेडी हो गया। अच्छा,
ये लास्ट टाइम ग्रिल और होगा अपना, हो गया जो कि इसको पैक करेंगे, हमको यहीं देना है। ठीक है, ये बन भी गया, रेडीमेड रहते कि आप ही बनाते हो? अच्छा, बेकरी का ही रहता है। तो ये हमारा आ चुका है वेज पेटी बैंजो। अब अपन टेस्ट करते हैं तीनों जो अपने आइटम लिए रहे। तो अभी हमारे यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज क्लासिक वाले आ गए, ये पनीर काठी रोल है और ये क्लासिक बैंजो आ गए। तो अब टेस्ट कर लेते हैं, अपन टेस्ट करते हैं यहाँ से। ये है पनीर काठी रोल, इसमें देख सकते हो स्टफिंग आई है, ये पूरी स्टफिंग मिल जाती है इसमें, शिमला मिर्च है, पनीर है। इसमें जो वेजीज का अभी आ गया ना, इसमें जो वेजीज का टेस्ट आ रहा है वो काफ़ी क्रिस्पी आ रहा है। जो इसमें ब्रोकली डली हुई है उसका भी टेस्ट बढ़िया आ रहा है, जो पूरे सॉसेज डले हैं। इसका प्राइस है 110 है। अपन ट्राई कर लेते हैं बैंजो है, वेज क्लासिक बैंजो। इसके अंदर चार पीस करा लिए और इसमें देख सकते हो ये सब चीज़ है, तंदूरी मेयोनीज है और ये पेटी डली हुई है। जो इसमें वेज पेटी डली हुई है ना उसका क्रंच काफ़ी आ रहा है और जो इसके सॉसेज चले वो भी काफ़ी यूनिक आ रहे हैं। और अपना बच्चा है, ये बच्चे हैं फ्रेंच फ्राइज बच्चे क्लासिक वाले, ये तो नॉर्मल से ही है। इसका प्राइस और 80 रुपीज़ है और हमने सारे ट्राई कर लिए, टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा है। तो अपन मिलते हैं टेस्टिंग करने के बाद। तो जब हमने टेस्टिंग करी तो काफ़ी अच्छी लगी। जब पे न्यू टाइप के आए, बैंजो आया है, पनीर रोल्स आए हैं, काठी रोल्स हैं, टेस्ट ओवरऑल बहुत ही बढ़िया लगा और प्राइस के हिसाब से काफ़ी सस्ता। अगर आप यहाँ पे जबलपुर में रहते हो तो जबलपुर में आकर आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे द वन क्लासिक बार। उसका एड्रेस की बात कर लिए तो एड्रेस पड़ता है साउथ सिविल लाइन में है। तो इसी साथ करते हैं अपन ब्लॉग को एंड। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी अनदर ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।